to my channel. So in today's video, I'm gonna share some of the moisturizers which I like and which are made for combination to extremely oily skin. So without any further ado, let's get into the video. But before that, please don't forget to subscribe to my channel. So without any further ado, let's get inside. So the first moisturizer which I absolutely loved was this Pond's Super Light Gel Oil-Free Moisturizer for non-sticky glowing skin. It has hyaluronic acid plus vitamin E. So ये मेरा second tub है और ये बड़ा वाला tub है. So the first tub मैंने उसे मंगवाया था checkout करने के लिए कि ये मुझे suit करेगा कि नहीं. So that was for 149 rupees जो मुझे 89 rupees में sale में मिल गया था. बट मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. सो आई वेंट फॉर द बिगर साइज एंड इट्स फॉर 299 रुपीज जो भी मुझे सेल में 234 रुपीज में मिल गया था. सो आई रियली लव दिस वन एंड इट्स इट हैज वाटर बेस. सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी जेल लाइक है. सो आई रियली लव दिस वन और क्योंकि ऑयली स्किन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल सिक्रीट होता है सो वी डोंट नीड एक्सेस हाइड्रेशन. सो दिस इज़ अमेजिंग एंड क्योंकि मेरा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है सो आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हो अगर आपका मेरे से थोड़ा कम भी ऑयली स्किन है तो. सो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट. सो द सेकेंड प्रोडक्ट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इज दिस मामा अर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विथ एप्पल साइडर विनेगर एंड इट्स फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो हियर मी आउट. आई पहले मुझे ये पसंद भी नहीं आया था और मैंने बताया भी था कि ये मुझे स्मिटन के बॉक्स में मिला है और इसका मैंने छोटा साइज ट्राई कर रही हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. सो मैं इसका बड़ा साइज नहीं खरीदूंगी पर द रीज़न वॉज कि ये बहुत ज़्यादा मुझे हैवी लगता था क्योंकि मेरा एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है तो मुझे नहीं लगता था कि ये मेरे फेस पे सूट भी करेगा. पर कुछ वक्त से मैं देख रही हूँ कि मुझे ड्राई फ्लेक्स हो जा रहे हैं यहाँ पर और अंडर आई पे. सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं इस मॉइस्चराइजर में दो ड्रॉप एसेंशियल ऑयल टी ट्री एसेंशियल ऑयल को मिक्स कर लेती हूँ एंड देन आई यूज़ दिस वन एंड आई एक्चुअली लाइक दिस क्योंकि वो मेरे को इतना हाइड्रेशन दे देता है. इसका कॉम्बिनेशन मेरे को इतना हाइड्रेशन दे देता है कि ड्राई फ्लेक्स हट जाते हैं. सो आई रियली लव दिस वन. नाउ अ डेज आई एम लाइकिंग इट. सो अगर उस तरह से मुझे ड्राई फ्लेक्स आएंगे तो मुझे इसका बड़ा साइज भी खरीदना पड़ेगा. सो दैट्स वाई दिस इज इन माई फेवरेट मॉइस्चराइजर्स लिस्ट. सो द थर्ड प्रोडक्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दिस डॉक्टर बेलमर्स क्लैरिफाइंग फेशियल मॉइस्चराइजर. सो ये मुझे फेस शॉप के एक्ने प्रूफ किट में मिला था और ये छोटा वाला पैक है. सो इसका बड़ा पैक इट्स अ बिट एक्सपेंसिव. सो इसका बड़ा वाला पैक शायद 1500 के अराउंड आता है या शायद इट्स बिटवीन 1000 to 1500. आई डोंट नो एग्जैक्टली बिकॉज मैं भी यही यूज़ कर रही हूँ और मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो इन सारे प्रोडक्ट्स के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप खुद से उसे चेक भी कर सकते हैं. सो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस प्रोडक्ट इज कि ये बहुत ही ज़्यादा इसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी ही है जैसे मुझे पसंद है. सो क्योंकि ये वाटर बेस्ड है और बहुत ही लाइट वेट है तो ऑयली स्किन को लाइट वेट ही मॉइस्चराइजर सूट करता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत ऑयल ऑलरेडी रहता है फेस पे और ज़्यादा हाइड्रेशन नहीं चाहिए. सो आई रियली लाइक दिस मॉइस्चराइजर और ये बहुत ही ईजिली मेल्ट हो जाता है स्किन में. सो आई रियली लव दिस वन. बट द फैक्ट इज़ कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पर है तो मैं पॉन्ड्स में स्टिक करना ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि इतना बड़ा डब्बा 299 रुपीज़ में मिल जाता है जो कि सेल में और कम में मिल जाता है. सो आई एम नॉट श्योर इफ आई एम गोना बाई द बिगर साइज पर अगर इससे मुझे ज़्यादा कुछ इफेक्ट दिखता है क्योंकि इसमें भी बहुत प्रोडक्ट बाकी है तो अगर इससे मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा और मेरे एक्ने को अगर ये थोड़ा भी कम करने में सक्सेसफुल रहा तो आई एम डेफिनेटली गोना बाई दिस वन. सो द फोर्थ प्रोडक्ट आई वॉन्ट टॉक अबाउट इज दिस प्लम ग्रीन टी रिन्यूड क्लैरिटी नाइट जेल और ये भी मुझे स्मिटन के बॉक्स में मिला था ये छोटा वाला ट्यूब और मैंने इसका बड़ा ग्लास बॉटल भी ट्राई कर रखा है. मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी और यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. सो आई रियली लव दिस वन और ये क्योंकि नाइट जेल है सो यू आर सपोज टू यूज इट इन द नाइट टाइम एंड प्लम ग्रीन टी रेंज इज स्पेशली मेड फॉर कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन एंड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. सो इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड द फ्रेग्रेंस इज़ टू डाई फॉर. सो आई रियली लव दिस वन एंड बहुत ही आराम से मेल्ट हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रेग्रेंस है इसका. सो आई रियली लव दिस वन एंड मैंने जैसा कि मैंने बताया कि मैंने इसका बड़ा साइज़ भी यूज़ कर रखा है और उस पर अभी कोई डिस्काउंट नहीं आ रहा है तो सीधा डिस्काउंट आता है 20-30% ऑफ के बीच का. सो यू शुड ऑलवेज लुक फॉर सेल and you should give it a try. So this was the fourth product. So the last product I want to talk about is the Plum Green Tea Mattifying Moisturizer. I'm going to insert the picture over here and the link in the description box. वो प्रोडक्ट अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है पर मैंने उसका दो बॉटल ख़त्म करके रखा है और उस पर एक फुल रिव्यू भी बनाई है. सो आई एम गोना मैंशन
that link in the description box and you can see and check out the full review of that product because मैंने उसके बारे में डिटेल में बात कर रखी है. सो आई रियली लव दैट मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर. वो मॉइस्चराइजर एकदम मैट कर देता है फेस को, तो आपका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सब एकदम खत्म हो जाता है और फेस एकदम मैट हो जाता है, तो यू वॉन्ट स्वेट आफ्टर दैट. सो आई रियली लव दैट प्रोडक्ट एज वेल. So that's it for today. These were all the products I wanted to share with you all. I hope aapko ye video pasand aayegi and I hope isme se koi na koi product aapke liye bhi useful hoga. So don't forget to check them out and don't forget to subscribe to my channel. Also you can check out my Instagram because I'm highly active over there and I'll leave the link in the description box and my handle over here. So go ahead and follow me on Instagram and don't forget to subscribe to my channel and I shall see you in my next video. Till then, bye bye and take care.